नमस्कार, मैं हूँ विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। तो प्रिय बच्चों, हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। 14 सितंबर पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हिंदी दिवस जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा, भावनाओं से ओतप्रोत यह दिवस समूचे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आतुर यह दिवस। जब बात चलती है हिंदी की, हिंदी का आरंभ, हिंदी कहाँ से आरंभ होती है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति, इसके संबंध में हम आज जानेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में। देखिए बच्चों, जैसा कि भारत में विदेशी आक्रमण हुए, आक्रांता बाहर से आए, और आक्रांता बाहर से जब आए तो उन्होंने भारतवर्ष में उत्तरी पश्चिमी हिस्से से भारत में प्रवेश किया। उसी दरमियान उत्तरी भारत में सिंधु नदी एक विशेष नदी हुआ करती थी, और सिंधु शब्द से ही कहीं ना कहीं हिंदी शब्द का संबंध जुड़ता है। उत्तरी भारत में जैसा कि सिंधु नदी बहती थी, और सिंधु नदी के दक्षिण में समूचा भारत था। वैसे भी कहा गया, हिमालयम शमारभ्य यावदिंदु सरोवरम तवदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जिस प्रकार उत्तरी भारत में अहर्निश्वर माँ के अडिग प्रहरी के रूप में नगादिराज हिमालय है, तो दक्षिण में माँ के चरणों का प्रक्षालन करती सिंधु सागर की उताल तरंग है। तो इस दोनों क्षेत्रों के मध्य में जो स्थित है वो है हमारा भारतवर्ष। उत्तरी भारत में सिंधु नदी बहती है, और वैसे भाषिक दृष्टि से हम देखें तो सिंधु को पश्चिमी क्षेत्र के लोग स को ह के रूप में जानते हैं, ह हिंदी हिंदू इस प्रकार से जानते हैं। तो स को ह लिखते हैं तो सी से ही हुआ, और ध को द के नाम से जानते हैं तो दू हुआ, तो सिंधु, सिंधु के स्थान पर बना हिंदू, और यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाए। और सिंधु नदी के दक्षिण क्षेत्र में जो स्थान विशेष था वो हिंदुस्तान नाम से जाना गया। कालांतर में हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा हिंदी के नाम से जानी जाने लगी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। उन्होंने कहा है, भारत की जो भाषा है हिंदी, हिंदी के संदर्भ में काफ़ी योगदान रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी के लिए काफ़ी बलिदान किया है व्यवहार राजेंद्र सिंह, काका काकेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी भाषा को भारतवर्ष में गौरवान्वित स्थान प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुरुआत में भारत में संस्कृत भाषा का प्रचलन था, सुनेश्वर हिंदी बोली जाने लगी। उसके पश्चात जब विदेशी आक्रांता यहाँ आए, मुगल, पठान, ये लोग जब भारत में प्रवेश करते हैं तो वे अपने साथ में अरबी और फारसी भाषा को लेकर के आते हैं। परिणाम स्वरूप अरबी और फारसी भाषा भारत में व्यवहारिक रूप से प्रयोग आने लगी, चाहे वो मजबूरी का है, चाहे राजनयिक दबाव का है। हर दृष्टि से हिंदी को, संस्कृत से उपजी भाषा को ज़्यादा विशेष वरीयता नहीं दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप अरबी और फारसी हमारे यहाँ की
राजकीय भाषा बन गई। उसके पश्चात कुछ ऐसे ही हमारे हिंदी भाषा के शिक्षाविद, भाषाविद थे जिन्होंने भारतीय भाषा को, संस्कृत निष्ठ भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इनमें कई नाम राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस प्रकार के नाम भी आते हैं। उन्होंने हिंदी को पुनर्स्थापित करने में महती भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम इसमें विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। उसके पश्चात हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उसमें भारत का संविधान निर्माण करने वाले कई विद्वानों के द्वारा भारत की राजकीय भाषा, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को विशेष महत्व दिया गया, किंतु ऐसे कई भारतीय भाषाविद, हिंदी को पुनर्बलन देने वाले कई लोगों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 के दिन भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, किंतु इसके साथ में अंग्रेजी को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची भाग 17 343 अनुच्छेद अध्याय 1 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाने लगा। परिणाम स्वरूप 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि हमें पता है व्यवहार राजेंद्र सिंह का उल्लेखनीय योगदान होने के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर के दिन ही 14 सितंबर 1949 के दिन उनका 50वां जन्मदिन था। परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी अपना काम कर रही है। हिंदी सरलीकरण भाषा के रूप में पुनर्स्थापित हो रही है। आज चाहे हम व्हाट्सएप देखें, चाहे हम फेसबुक देखें, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, हर स्थान पर हम हिंदी भाषा को एक विशेष कलेवर में देख रहे हैं। लिपि रोमन होगी लेकिन भाषा हिंदी होगी। कहीं ना कहीं हम देखते हैं हिंदी की जो प्रामाणिक रचना है वह प्रामाणिक रचना हमें नहीं मिल पा रही है। तो हमारे सभी युवा साथियों, सभी देशवासियों से आग्रह रहेगा कि हम सभी हमारी जो देवनागरी लिपि है, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, हमारी लिपि देवनागरी होगी। यहाँ की राजनयिक कार्यों के रूप में, प्रयोजन के रूप में जो हम काम कर रहे हैं उसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का विशेष योगदान रहेगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो सभी युवाओं से, सभी भारतवर्ष के नागरिकों से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह रहेगा कि हम रोमन लिपि के स्थान पर हमारी जो लिपि देवनागरी लिपि है उस देवनागरी लिपि का ही हम प्रयोग करें और देवनागरी लिपि के माध्यम से ही हिंदी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा देखते हैं हम सभी लोग हिंदी भाषा को प्रयोग में लेते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं वे अंग्रेजी भाषा को भी अपना एक स्थान विशेष दे पाते हैं। लेकिन शुद्ध हिंदी का, परिमार्जित हिंदी का हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र उन्नति के उच्च शिखर पर जाएगा। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, उसके अंदर भी प्रत्येक बालक को कक्षा 5वीं तक मातृभाषा के रूप में शिक्षा अर्जन करने का महत्व बताया गया है। उसी संदर्भ में हम राष्ट्रभाषा को एक विशेष दर्जा प्रदान करा सकते हैं, हिंदी को महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, ऐसा सभी भारतवासियों से आग्रह रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारे साहित्यकार ने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति के मिटत न हियो को सूल। भारतवर्ष के लोगों की विदेशों में यही पहचान है, हम हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू,
इस प्रकार की पहचान रही है। हम विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ शायद हमें जाना और पहचाना नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके मस्तिष्क में यह प्रकट होगा कि यह हिंदुस्तान से आया व्यक्ति है। तो हमारी आज के इस अवसर पे, आज हिंदी भाषा दिवस के अवसर पे, राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के अवसर पे मेरा यह सबसे आग्रह रहेगा कि हम हिंदी को विशेष वरीयता प्रदान करते हुए हमारे मानवीय व्यवहार में, हमारे भाषिक व्यवहार में, हमारे शैक्षिक व्यवहार में हिंदी को हम अपनाएं, जिससे कि हिंदी का उद्धार होगा। किसी देश की, किसी राष्ट्र की पहचान वहाँ की धरती, वहाँ की भाषा रही है, तो भाषा के माध्यम से ही हमारी पहचान बने, ऐसा इस वीडियो के माध्यम से मेरा सबसे आग्रह रहेगा। हिंदी उच्च शिखर पर प्राप्त करें, ऐसा जब संभव हो गया तो निश्चित रूप से भारत विश्व में सबसे स्वर्ण अक्षरों में परम वैभव तक प्राप्त करने का पद प्राप्त कर लेगा। इस संदर्भ में मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा, हम अधिक से अधिक हिंदी को महत्व दें, अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें और निश्चित रूप से हिंदी दिवस की सार्थकता हो पाएगी। धन्यवाद। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जय हिंदी।